हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ, स्पाइनल स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ मिस्टर सुरेंद्र प्रसाद हैं, जिनको लेफ्ट शोल्डर में पेरिआर्थ्राइटिस था और पेरिआर्थ्राइटिस यानी एडिसिव कैप्सुलाइटिस भी था। उसकी वजह से पिछले चार साढ़े चार महीने से, जैसा इन्होंने हमें बताया कि काफ़ी दर्द में थे, और दर्द की वजह से जो मूवमेंट थे शोल्डर्स के वो भी काफ़ी ब्लॉक थे, और इनकी जो डेली की एक्टिविटीज थी जिसको हम ADL बोलते हैं वो भी रिस्ट्रिक्टेड थी। अपना जो काम वगैरह था ठीक से नहीं कर पा रहे थे, और हमारे पास इन्होंने अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है मिस्टर सुरेंद्र प्रसाद ने। एक बार बात करेंगे इनसे कि इनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, कब से हो रही थी और अभी कैसा फील कर रहे हैं। तो सुरेंद्र जी, कब से आपको दिक्कत हो रही थी शोल्डर में? ये लगभग साढ़े चार महीना हो गया होगा। साढ़े चार महीना से आपके पास में ये थर्ड सेशन अभी है आपका ये, और कैसा लग रहा है शोल्डर में? लगभग 30-35% को अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस कर रहे हैं अभी शोल्डर उठाने में? कोई पहले से दर्द कम है? हाँ, दर्द कम। और मूवमेंट की आपकी रेंज भी बढ़ी? हाँ। सो इनिशियली व्हेन ही केम टू अस, सो इनका जो मूवमेंट था फर्स्ट डे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड था, और मूवमेंट में काफी पेन भी था। तो इनको हमने दो सेशन दिए हैं, तीसरा सेशन इनका हम आज करेंगे, और उसके बाद इनकी रेंज काफ़ी इम्प्रूव हुई है, पेन में भी काफ़ी फर्क है। तो पेरिआर्थ्राइटिस में डिजनरेटिव चेंजेस हो जाती हैं शोल्डर के अंदर, शोल्डर काफ़ी ड्राई हो जाता है, और जो शोल्डर का कैप्सूल है वो इन्फ्लेम्ड होने की वजह से काफ़ी पेनफुल हो जाता है। सो इसमें जो शोल्डर का ट्रीटमेंट हम करते हैं उसके अलावा भी आपको घर पे एक्सरसाइजेस हम बताते हैं जो करनी होती हैं, एक्सरसाइज और थोड़ा सिकाई वगैरह करने से इसका मूवमेंट जो है ग्रेजुअली बेटर होने शुरू हो जाता है, थोड़ा सा ढीला छोड़ी रिलैक्स। शोल्डर को ढीला आपका जो ये ज्वाइंट है एक्रेबियम क्लेविकल ज्वाइंट, ये काफी रिस्ट्रिक्टेड है और इन्फ्लेम्ड है, यहाँ पे आता है। हाँ, ढीला छोड़ी। ऊपर उठाएगा आपको, वेरी गुड, और लाइक थोड़ा सा ढीला छोड़ दी। उठाइए सामने से, वेरी गुड, साइड से उठाइए, गिले छोड़ी लूज, मेरी तरफ लेके आए, नीचे लेके जाए, लेके आइए, नीचे लेके जाए, ऐसे रखिए। करना
सो एडजस्टमेंट और मोबिलाइजेशन से पहले हमने इनको थोड़ा सा कपिंग थेरेपी और वाइब्रेटर के थ्रू मसल्स को भी लूज किया है ताकि इनका जो जॉइंट कैप्सूल है और जो मसल स्टिफनेस है वो कम हो जाए. सो इफ यू हैव एनी शोल्डर प्रॉब्लम स्पेशली फ्रोजन शोल्डर और पेरियोआर्थराइटिस यू शुड गेट दिस ट्रीटमेंट डन. दिस इज रियली हेल्पफुल इन द फ्रोजन शोल्डर केसेस. थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर आवर सपोर्ट. थैंक यू.